जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर, जैसे कि सभी साधक साधिका जितने भी इस प्रकृति में कहीं भी आते जाते हैं, हर जगह का एक अपना प्रभाव होता है। कुछ जगह पे सकारात्मक शक्तियां होती है, कुछ जगह पे नकारात्मक शक्तियां होती है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे स्त्रियों को खास करके नहीं जाना चाहिए? उसका कारण होता है कि जो नकारात्मक ऊर्जा, जो नकारात्मक शक्ति, चाहे वो उसे भूत प्रेत कह लीजिए या फिर उसे आप नकारात्मक शक्ति कह लीजिए, जो भी आप उसे कहिए, आखिर क्यों ये बच्चों के ऊपर हमला करते हैं, आखिर क्यों ये उनसे आकर्षित होते हैं? देखिए, स्त्रियां खास करके जैसे कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जैसे कि भूत प्रेत, या जो मनुष्य जब जीवित रहता है तब उसके मन में बहुत सारी भावनाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं जो जीवन में पाना चाहता है, या फिर हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई विकृति होती है। वैसे ही ऐसे लोग जिनके मन में स्त्रियों को लेकर गलत भावना रहती है, जब ऐसे लोग प्रेत योनि में जाते हैं तो वो स्त्रियों के प्रति ही आकर्षित होते हैं। साथ में ऐसी चीजों पर वो ज्यादा आकर्षित होते हैं, जैसे कि नवजात शिशु हो, या फिर गर्भवती महिला हो, या फिर कोई स्त्री हो जो बहुत ज्यादा सुगंधित तेल या सुगंधित कोई भी जैसे कि इत्र परफ्यूम लगाकर किसी शमशान घाट में, जंगल में, ऐसी किसी भी एकांत स्थान पर जाती हो तो वहां पर भूत प्रेत उससे आकर्षित होते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में स्त्रियों को लेकर, आप अपने घर में अपनी पत्नी को लेकर या अपने घर की बेटियों बहुबेटियों को लेकर अगर आप कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं तो कुछ स्थानों पर आपको नहीं जाना चाहिए, खास करके शमशान घाट पे या फिर ऐसे स्थान पे जहां पे आपको लगता है कि रास्ते में शमशान घाट से ही होता हुआ वो मार्ग जाता हो, कोई पुलिया हो, कोई नदी का कोई ऐसा किनारा हो जहाँ पुलिया हो, जहाँ शमशान स्थल हो, वहां पर से नहीं गुजरना चाहिए। और अगर गुजरते हैं तो वहां पे रुकना नहीं चाहिए, वहां पे रुक के कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नदियों के पुल पे कहीं भी रुक कर, उनको पता नहीं होता रास्ते में कहीं भी आता है, रास्ते में कोई भी पुल आता है, नदियां वहां से बह रही हैं, अब उनको नहीं पता कि यहाँ नीचे शमशान घाट है, और वहीं पे वो पुल पे खड़े होकर पानी पीना, कुछ भी खाना, इस तरह की चीजें करने लगते हैं। तो ये चीजें नहीं करना चाहिए कभी भी, जब भी आप किसी नए स्थान पे जाते हो या फिर आपको वहां उस स्थान के विषय में ना पता हो। अभी हमने एक स्थान के ऊपर वीडियो भी बनाया है, एक स्थान है धार के पास में, एक स्थान है गंगा महादेव नाम का, ये जो स्थान है यहाँ पे शमशान घाट है, शमशान घाट से ही बिल्कुल लगा हुआ, यानी शमशान घाट ही कह लीजिए कि वो स्थान जो शमशान घाट में ही है स्थान, वहां पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। देखने में बहुत सुंदर स्थान है लेकिन शमशान घाट होने की वजह से स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए वो थोड़ा सा हानिकारक स्थान है, इसलिए वहां पे छोटे बच्चे खास करके बहुत कम लोग जाते हैं, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वो वहां पे नहीं जाती हैं और जाना भी नहीं चाहिए। हम वहां पे गए थे, वो वीडियो भी हम डालेंगे जल्द से जल्द, वो आप देखिएगा। वो स्थान बहुत सुंदर है, बहुत मनोरम है, लेकिन वहां पे झपट्टे कह लीजिए या भूत प्रेतों का असर या नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसका प्रभाव वहां पे जाने वाले लोगों पे पड़ता है। और ज्यादातर जो लोग वहां से लौट कर आते हैं वो रात्रि में बहुत भयानक सपने उनको आते हैं, वो बताते हैं कि हमें बहुत गंदे अनुभव हो रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। अब बात आती है क्या मंदिरों में, ताकि कोई मंदिर हो खंडर जैसा पुराना, तो क्या वहां पे भी किसी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है चीजों का? तो इस विषय में भी आपको बता दें कि किसी भी मंदिर में, अगर वो मंदिर कितना भी पुराना क्यों ना हो, कितना भी वो खंडर क्यों ना हो गया हो, मंदिर के स्थान में जो देव स्थान होता है वहां पे कभी भी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो उपस्थित नहीं होती है। ऐसे स्थानों पे जहाँ मंदिर हो, पुराने चबूतरे हो, वहां पे जैसे देवी देवताओं के, वहां पे कभी किसी के ऊपर कुछ भी झपट्टा या भूत प्रेतों का असर नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। तो जो साधक ये सोचते हो कि भाई कोई खंडर मंदिर हो या पुराना मंदिर हो तो क्या वहाँ पे भी खतरा नहीं है, बल्कि वहाँ पे आपको शांति का ही अनुभव होगा, चाहे वो मंदिर कितना भी पुराना क्यों ना हो, चाहे वहाँ की मूर्ति खंडित क्यों ना हो गई हो, मंदिर कोई भी हो, जब भी आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पवित्रता का ही आभास होगा। तो मंदिर में कोई भी खतरा नहीं होता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ नदियों में ध्यान रखना जरूरी है, शमशान घाट नहीं जाती है स्त्रियां, तो इसलिए ऐसी नदियां जिनमें पुल पे खड़े होके अगर आप रुक के देखते हैं तो ये ध्यान रखें कि भाई यहाँ पे खाना पीना नहीं है, इस पे खड़े होके वहां से आप देख कर और सीधे निकल जाए ऐसा कीजिए। जंगल में कहीं भी अगर आप रुकते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, एक बार थोड़ा सा देख लें कि कहीं यहाँ पे कोई शमशान घाट तो नहीं है, क्योंकि बहुत कई बार ऐसा होता है कि जैसे कहीं हम जा रहे हैं और वहां पे गाड़ी रोकी और रोक के जैसे देखते हैं, थोड़ी देर खड़े होकर बातचीत की आपस में, वहां पे पानी वानी पिया, फिर अचानक से देखते हैं कि अरे यहाँ तो जंगल में तो शमशान घाट है, पास के लोगों ने, पास के गांव वालों ने या कस्बे वालों ने बना के रखा है। तो ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां आपको पता नहीं होता है, तो वहां पे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है जो आपको नुकसान पहुंचा देती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे से आप कभी भी
आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पे इनका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ये जो प्रभाव होता है ये अस्थायी होता है, मतलब ऐसे किसी भी स्थान पे अगर आप चले जाते हैं और कोई भी आपको बुरा अनुभव हो रहा है वहां से लौटने के बाद, तो ये अस्थायी होता है। घर में आप हवन कीजिए, पूजा अगर आप घर में रोज प्रतिदिन करते हैं, घर में आके आप हवन कीजिए, अगले दिन या उसी दिन या फिर अगले दिन आप हवन करते हैं, अपने ऊपर से नींबू उतार के उसको आप फेंक देते हैं बाहर और ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आई है तो वापस चली जाए, इतनी प्रार्थना कर देते हैं आप, तो इसका प्रभाव दूर भी हो जाता है। इसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि ये कोई क्रिया नहीं होती, ये सिर्फ एक प्रकार का नकारात्मक प्रभाव होता है जो आपको अनचाहा कहीं भी लग जाता है। तो ये थी जानकारी इस विषय के ऊपर कि महिलाओं को बच्चों को लेके किन स्थानों पर जा सकते हैं, किन स्थानों पर नहीं जा सकते, इस बात का आप ध्यान रखें जिससे कि आपको किसी प्रकार का कष्ट ना उठाना पड़े। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।